स्थानांतरण की मांग को लेकर सूबे के शिक्षकों ने राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात की। शिक्षक बच्चों के हित में अपने गृह जिले में तबादला चाहते हैं। शिक्षकों से बात की हमारे सहयोगी अजय लाल ने। 18 वर्ष पुरानी समस्या के समाधान करने के बाद राज्य के सरकारी शिक्षकों की उम्मीदें राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से बढ़ गई है। लिहाजा तमाम शिक्षक अब गृह जिला स्थानांतरण को लेकर शिक्षा मंत्री पर दबाव बनाना चाहते हैं, उनसे अनुरोध करना चाहते हैं। इस वक्त एकीकृत गृह जिला स्थानांतरण संघ के अध्यक्ष तमाम शिक्षक लोग आए हुए हैं। क्यों यहां आए हैं और क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो लंबी समस्या थी पारा शिक्षकों की, उसका समाधान कर दिए और अब उम्मीद है कि हम लोगों की समस्या जो गृह जिला स्थानांतरण की है उसको भी बहुत जल्द समाधान करेंगे और उनका आश्वासन सकारात्मक शुरू से मिलते रहा है। था कि मार्च के पहले कर देंगे, मार्च के पहले की बात थी, तो भरोसा नहीं है या फिर ज्यादा बहुत जल्दीबाजी में है आप लोग? नहीं नहीं नहीं, पूरी तरह भरोसा है सरकार पर और जल्दीबाजी में भी हम लोग नहीं है, क्योंकि सरकारी कार्य को करने में कुछ प्रावधान होते, कोई नियम कानून होते हैं, उसको भी हम लोग समझते हैं। सरकार पे पूरी भरोसा है और जो सरकार का जो स्लोगन है कि मंत्र के साथ 2 साल विश्वास के, तो हम लोग को पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर, माननीय शिक्षा मंत्री पर कि हम लोग गृह जिला स्थानांतरण का जो है जो मांग लंबे समय से जरूर पूरा करेंगे। और क्या समस्याएं आ रही हैं? आप पाकुड़ में हैं, बंगाल का वो बॉर्डर है, तो क्या समस्या प्रैक्टिकली आती है? प्रैक्टिकली वही सबसे बड़ी समस्या एक तो है कि भाषा का समस्या है और दूसरी बात से घर से दूर रहने पर, क्योंकि आदमी को घर परिवार भी देखना पड़ता है। महागामा ब्लॉक में है और वो भागलपुर बॉर्डर पे पड़ता है, लगभग 200 किलोमीटर का दूरी है मेरे घर से। बच्चे मगही जानते होंगे ज्यादा? अंगिका जानते हैं और मगही, जबकि मैं खोटा भाषी क्षेत्र का हूँ, तो थोड़ी समस्या भाषा की भी आती है। और जो मांग है गृह जिला स्थानांतरण, उसके पीछे की वजह यह है कि कई ऐसे शिक्षक हैं जिनका गृह जिला भागलपुर है लेकिन उनकी पोस्टिंग बंगाल बॉर्डर के पास है, बांग्ला वो नहीं जानते। जाहिर सी बात है, जब बच्चों को आप पढ़ाएंगे तो कई बार उनके मातृभाषा में चीज़ों को समझाना होता है। यदि गृह जिला ट्रांसफ़र हो जाता है तो ऐसे शिक्षक जो कि बांग्ला जानते हैं वो बंगाल के बॉर्डर के आसपास रहेंगे, जो खोटा जानते हैं वो खोटा वाले इलाके में रहेंगे, जो अंगिका जानते हैं वो अंगिका वाले इलाके में रहेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि मार्च के पहले गृह जिला स्थानांतरण को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, उम्मीद पर दुनिया कायम है। लिहाजा ये उम्मीद की जा रही है कि शिक्षा मंत्री ने जिस प्रकार से पारा शिक्षकों की समस्या का समाधान किया है, गृह जिला पर भी उनके तरफ से अंतिम मुहर लग जाएगी। क्रमण देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।